गाइस गुड मॉर्निंग। अगर आप भी घर बैठे बैठे अपनी बाजुओं को टोन करना चाहते हैं, उसके फैट को रिड्यूस करना चाहते हैं, तो आज ही मेरा 21 डेज चैलेंज एक्सेप्ट करना। मात्र 21 दिन में आपके लटकी हुई बाजू को बिल्कुल टोन अप कर देगा। वो भी आपको किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं, किसी जिम जाने की जरूरत नहीं, बस घर पर आपको किस तरह से एक्सरसाइज करनी है, करेक्ट पोस्चर मुझे देखकर फॉलो करिएगा। जितने मैं आपको रैप्स या सेट्स बताऊंगी सेम एज इट इज आपको फॉलो करना है। और 21 डेज बाद आपको मुझे कमेंट करना है कि आपके बाजू में क्या क्या चेंजेस आए। प्लीज ऑनेस्टी के साथ कमेंट करना, बिकॉज आपका एक कमेंट ना बहुत सारे लोगों की जिंदगी को बेहतर बना सकता है, जो मैं चाहती हूँ। तो लव यू ऑल, स्टार्ट करते हैं वीडियो। बारी आती है फर्स्ट एक्सरसाइज की। इसके लिए आपने आर्म्स को इस तरीके से पोजीशन में डाउन रखना है, देन अप करना है। आप देख रहे हैं मेरी बाजू प्रॉपर नीचे नहीं आ रही है, बल्कि एक प्रॉपर स्टैंडिंग मोड में है, देन अप जाती है, देन डाउन जाती है। आपको ऐसा कम से कम 20 बार करना है और इसके आपको करने हैं 2 सेट्स। तो ये आपके बहुत अच्छे से आर्म्स फैट को रिड्यूस करती है और आपकी आर्म्स को टोन करती है। तो मेक श्योर कि आप जितना हो सके उतना ज्यादा वर्कआउट करें, उतना जल्दी आपके उस एरिया में इसका इफेक्ट आएगा। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आर्म्स क्रॉस। कैसे करना है? सेम इस तरीके से आप मुझे देखते जाइए। पहले आपने अपनी दोनों बाजुओं को ऊपर की तरफ क्रॉस करना है, फिर अपनी दोनों बाजुओं को नीचे की तरफ क्रॉस करना है। ऐसा करने से आपका जितना भी बाजुओं का बल्किनेस है वो खत्म हो जाता है और वहाँ का जो फैट रिड्यूस होगा, तो आपकी मसल को बहुत अच्छे से टोन करने में हेल्प करती है। तो ऐसा आपको कम से कम 20 बार करना है और इसके करने हैं आपको 4 सेट्स। तो मेक श्योर जितने मैं आपको सेट्स बता रही हूँ और रिपीटेशन बता रही हूँ सेम आपको उतने ही करने हैं, क्योंकि अगर आप इसको कम करेंगे तो आपकी बाजुओं पे इसका कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज करनी है आपने बॉटल से परफॉर्म। ठीक है, कैसे करना है? आपने इस तरीके से 1-1 लीटर की बॉटल ले लेनी है, या 2 लीटर की भी आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 लीटर की बॉटल ली है। उसके बाद आपने ऊपर की बाजू को बिल्कुल भी मूवमेंट ना देते हुए नीचे की बाजू को आपने डाउन एंड अप करना है। ऐसा करने से आपकी बाजुओं का फैट बिल्कुल रिड्यूस होता है और आपकी आर्म्स टोन होना स्टार्ट हो जाती हैं। इसकी जगह पे अगर आपके पास डंबल है तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसा आपको करना है 20 टाइम्स और इसके करने हैं आपको 3 सेट। अगर आप इसे रेगुलर फॉलो करेंगे तो आप नोटिस करेंगे कि आपकी आर्म्स बहुत जल्दी रिड्यूस होना स्टार्ट हो गई है और आफ्टर वर्कआउट आपकी बाजुओं में बहुत ज्यादा बर्निंग, मतलब एकदम से पेन होगा, बट वो पेन बहुत ही पॉजिटिव है। So don't worry. तो मेक श्योर कि आप जितना हो सके उतना ज्यादा वर्कआउट करें, उतना जल्दी आपके उस एरिया में इसका इफेक्ट आएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको इस तरीके से अपनी चेस्ट को आगे करना है, हिप एरिया को बैक साइड करना है और अपनी बाजुओं को आगे देन पीछे की तरफ पूरा स्ट्रेच करना है। आप देख रहे हैं अपने बाजुओं को पीछे की तरफ प्रॉपर स्ट्रेच आउट कर रही हूँ। ऐसा आपको करना है 20 बार और आपको इसकी रिपीटेशन करनी है 3 सेट की। ठीक है, यानी 20 टाइम्स आप इसको परफॉर्म करें, देन उसके बाद 3 बार यानी 20 के 3 सेट्स आपने इसके लगाने हैं। आपने खाना खा रखा हो या नहीं खा रखा हो, इजीली आप कभी भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि इसमें टमी का कोई भी वर्कआउट नहीं है, तो आपके टमी पे कोई भी लोड नहीं जाएगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपने करना है सी, अपनी बाजुओं से क्रिएट करना है। जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ, अपने दोनों बाजुओं को आप सीधा कर लीजिए, उसके बाद अपनी बाजुओं को स्लाइटली अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो ये बिल्कुल सी जैसे हम बनाते हैं अल्फाबेटिकल, वो क्रिएट होता है और ये आपकी आर्म्स के फैट को रिड्यूस करके आपकी मसल को बिल्कुल टोन करता है, आपके एक्स्ट्रा फैट को हटाता है। तो ऐसा आपको करना है 20 बार और इसके करने हैं आपको 3 सेट। तो काफी ज्यादा इफेक्टिव है, तो बिल्कुल हार मत मानिए, चाहे जितना मर्जी पेन हो, बस करते रहना है, करते रहना है। तो यहाँ पर आपका वर्कआउट कंप्लीट होता है।